रविवार को यानी कि आज के दिन उत्तर प्रदेश की जनपद हापुड़ में गंगा दशहरा का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गंगा दशहरा के पर्व पर गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट पर कई राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। मां गंगा में आस्था की वो डुबकी लगा रहे हैं। भीषण गर्मी और लू में आस्था की डुबकी भारी पड़ती नजर जरूर आ रही है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है। श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद पूजन अर्चन कर रहे हैं। गंगा स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई थी, साथ ही नावों में गोताखोरों को लगाया गया था। स्नान के दौरान गहरे जल में स्नान नहीं करने की अपील भी की जा रही है। वहीं महिला श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था कराई गई है। इसके साथ ही पर्याप्त पुलिस फोर्स तीर्थ नगरी में तैनात की गई है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। गंगा दशहरा पे गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। जैसा कि माना जाता है ना, कौरव पांडवों ने मुक्ति के लिए यहाँ पे अपने पूर्वजों का किया था, सभी अंतिम समय में उनको मुक्ति प्राप्त हुई थी, इसीलिए हर व्यक्ति आने के लिए लालायित रहता है यहाँ पे आने के लिए। रौनक बहुत अच्छी है यहाँ पे, आस्था बढ़ रही है लोगों की गंगा स्नान के लिए। गंगा दशहरे के दिन ही गंगा माँ का अवतरण हुआ था धरती पे, इसलिए आस्था बढ़ रही है। रौनक बहुत अच्छी है, भीड़ बहुत अच्छी है, आस्था है, सभी लोगों को पुण्य प्राप्त हो रहा है।